ठीक है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अब हमें निकालना है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में, 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमें निकाल लिया 0.256 मोल होंगे। अब हमें निकालना है 40 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे। ठीक है, अब ये देखो 40 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे ये हम निकालने जा रहे हैं। 40 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे। ठीक है, तो 40 ग्राम वाटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं वाटर में। 40 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे हम निकालने जा रहे हैं। तो हमें पहले एक वाटर का फार्मूला पता होना चाहिए। हमने वाटर का फार्मूला लिख दिया H2O। अब जो मैंने क्या बोला, पहले इस कंपाउंड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपने वाटर का फार्मूला लिख दिया H2O। अब इसके मास निकालो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे 1 आएगा, 1 और नीचे 2 लगा हुआ है, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। प्लस आप प्लस डालोगे, अब ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम देखोगे पीरियोडिक टेबल में 16 दिया हुआ होता है, 16 लिख दिया। ऑक्सीजन नीचे 2, 3, 4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 16 लिख दो। अब इनको सॉल्व कर लो, 2 × 1 = 2 + 16, तो 16 + 2 = 18 ग्राम आ गया। तो ये वाटर का 18 ग्राम निकल गया। तो इसमें मोल कितने होंगे, 1। मैंने बताया था कोई भी चीज़ का फार्मूले में जब उसका ग्राम निकालते हैं हमेशा 1 मोल का ही होता है। तो ये आपका हो गया 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होते हैं, यानी 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होते हैं। यूँ बोलो 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये दिया हुआ था 40 ग्राम वाटर आपको दिया जाए तो उसमें कितने मोल होंगे। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर में, या यूँ कहो 18 ग्राम, हाँ या यूँ कहो 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होते हैं। यही बोल रहा हूँ ना मैं, 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, या 18 ग्राम में 1 मोल होते हैं। 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम वाटर में कितने होंगे, 1/18। 1 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, 1/18 मोल। और 40 ग्राम वाटर में, तो 1 की जगह 40 है, 40/18, तो 40 को 18 से डिवाइड कराओगे 2.22 आएगा। तो आप कहोगे 40 ग्राम वाटर में 2.22 मोल्स होते हैं। समझ आ गई। अब तीसरा मैंने दिया था कि 70 ग्राम ऑफ शुगर में कितने मोल्स होंगे, 70 ग्राम ऑफ शुगर में कितने मोल्स होंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम फार्मूला देखेंगे। क्या दिया हुआ, शुगर का फार्मूला होता है शुगर का फार्मूला ये होता है C12H22O11। अच्छी बात है ना, ग्लूकोज का फार्मूला क्या चीज़, C6H12O6। हाँ ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है और शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। शुगर आपको दिया गया, अब इसको पहले आपको निकालना है। तो C क्या है, कार्बन, H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो आएगा 12, और नीचे भी 12 लिखा होगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर प्लस लगाना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, नीचे कितना लगा हुआ है, 22 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर प्लस लगाना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और नीचे लगा हुआ है 11 को 16 से मल्टीप्लाई कराना। अब इनको सॉल्व कर लो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराए 144, 22 को 1 से मल्टीप्लाई कराए 22, और 11 को 16 से मल्टीप्लाई कराए 176। अब इनको प्लस करना, सिंपल प्लस करना, तो आता है 342 ग्राम। तो आप कहोगे 342 ग्राम ग्लूकोज होता है, लेकिन कितना है मोल, ये क्या होगा, 1 मोल, हर चीज़ का 1 मोल होता है। तो 1 मोल ऑफ शुगर में 342 ग्राम होते हैं। ठीक है, आपको 70 ग्राम ऑफ शुगर आपको दिया गया, उसमें मोल मालूम करना। तो आप लिखोगे 342 ग्राम, आपने लिखा 342 ग्राम शुगर में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम शुगर में कितने मोल होंगे, 1/342, और कितना दिया 70 ग्राम शुगर में कितने मोल होंगे, तो 1 × 70 = 70/342। तो 70 ग्राम शुगर में कितने मोल होंगे, 70 × 342 डिवाइड करा दो, 0.2046। तो 70 ग्राम शुगर में 0.2046 मोल होंगे। समझ आ गई बात, समझ आ रहा है, एक बार लास्ट कर लेते हैं और तक और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, ये हमें फाइंड करना है। 32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे हमको ये फाइंड करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, फार्मूला पहले देखा जाता है, तो फार्मूला पे लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, अब प्लस डालोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, नीचे लगा हुआ है 2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
12 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32 आया, 32 प्लस 12 44, ये आ गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो ये कितने मोल का है? 1 मोल का। 1 मोल यानी आप यूँ बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 44 ग्राम होते हैं, या यूँ बोलोगे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होता है। ठीक है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 1 / 44। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मोल होते हैं, तो 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 32, या 1 की जगह 32 आ जाएगा अपॉन 44। तो 32 को जब 44 से डिवाइड कराओगे तो आपका आंसर आएगा 0.72 मोल। तो आप कहोगे 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 0.727 मोल होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात ये? ठीक है, और ये अच्छा लास्ट ये था, ये था, ये लास्ट है। अब आ जा रहा 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में आप निकालने जा रहे हो उसका मोल। तो आप ग्लूकोज की बात हो रही है तो पहले ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसका निकाल लो मास, तो कार्बन का मास होता है 12, नीचे लगा हुआ है 6, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे प्लस लिखोगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1, नीचे लगा हुआ है 12, 12 से मल्टीप्लाई कराओगे। फिर ऑक्सीजन का मास होता है 16, नीचे लगा हुआ है 6, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे। 12 को 6 से मल्टीप्लाई कराया 72 आया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 12 आया, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कराया 96 आया। इन तीनों को सम कर लिया 180 ग्राम। तो ये ग्लूकोज का 180 ग्राम आ गया, और 180 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज में 180 ग्राम होते हैं, या यूँ कहो 180 ग्राम ग्लूकोज में 1 मोल होते हैं। 180 ग्राम ग्लूकोज में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम ग्लूकोज में 1/180 मोल होंगे, और 50 ग्राम ग्लूकोज में 1 की जगह 50 आ जाएगा, 50/180। 50 को 180 से डिवाइड कराओगे 0.277 मोल। तो आप बोलोगे 50 ग्राम ग्लूकोज में 0.277 मोल होते हैं। समझ आ गई बात ये? तो हमने ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम उल्टा सीख रहे हैं मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना। आपको आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था इतने ग्राम ग्लूकोज बताएं कितने मोल्स हैं, आपने मोल्स निकाल लिए। अब आपको मोल्स दिया जाएगा उसका ग्राम निकाल के बताना है। ठीक है, आपको मोल्स दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के 3 मोल्स का मास बताएं, यानी ग्राम में बताएं। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो सोडियम क्लोराइड का हमने लिख दिया NaCl। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, अब आप सोडियम क्लोराइड का निकाले, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 प्लस ये मल्टीप्लाई में डाल दिए, मल्टीप्लाई पर 3। अच्छा, ये वाला अलग करके लिखा है, इसको इस तरह से निकल जाता तो मैं सही है, लेकिन करना इस तरह से नहीं था, तुम्हें निकल करना इस तरीके किया था तो मैं सही है, करना इस तरीके से था। देखो, सोडियम क्लोराइड के 3 मोल्स का मास निकालना है, तो आप पहले सोडियम क्लोराइड का मास निकालोगे, तो सोडियम क्लोराइड का मास कितना निकला था? 58 पॉइंट। हाँ, मुझे पता है, उसको प्लस करके उसके बाद एक साथ मल्टीप्लाई कराना था। जबरदस्त बता रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का मास कितना निकला था? 58.5 ग्राम ये निकला था ना, कितने मोल का? 1 मोल का। ठीक है, आपको पता है सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास कितना है? 58.5 ग्राम ये निकला था ना, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का मास निकला था 58.5 ग्राम, तो कितने 3 मोल का निकालना, तो डायरेक्ट लिखो 1 मोल का मास 58.5 ग्राम है, तो 3 मोल का मास कितना होगा? 3 × 58.5। बाकी में यही किया पहले वाले मैंने, 1 मोल इस तरह करना है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास होता है 58.5 ग्राम, तो 3 मोल का मास कितना होगा? 3 को 58.5 का मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि आपको 1 पता चल गया ना, 1 यूनिट पता चल गया, तो मल्टीप्लाई करा 58.5 को, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ रहा है? 175.5। सही है, ये आ गया 175.5 ग्राम पर मोल। तो आप लिखोगे 3 मोल्स सोडियम क्लोराइड के 3 मोल का मास आ गया 175.5 ग्राम पर मोल। समझ आ गई बात? ये निकल कर आ गया। अब ये बोला है 10 मोल्स ऑफ वाटर, ये भी तुमने वैसे ही क्या काम बोल दी थी, बुरा लगती है, ये भी वैसे ही क्या मल्टीप्लाई कराया ना, फिर लास्ट में सबसे पहले उन सबका वो लेके फिर 10 को ला। तो हमें वाटर का पहले मास निकालेंगे,
तो वाटर का मास पहले मैं निकाल के बताया था कि कैसे निकालते हैं। हार्ट यूनिट का मास कितना होता है? 1। ठीक है, नीचे 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 × 2 प्लस 16 18 आ गया। तो 18 ग्राम किसका कितना मोल हुआ? 1 मोल का। वाटर के 1 मोल का मास कितना हो गया? 18 ग्राम यानी 1 मोल का मास 18 ग्राम है। तो 10 मोल का मास कितना होगा? 18 × 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 180 ग्राम हो गया। 1 मोल का मास 18 ग्राम। अब लिखोगे 1 मोल वाटर का मास कितना आया, इनको सॉल्व करने पर 18 ग्राम आया। 1 मोल का मास 18 ग्राम आ रहा है तो 10 मोल का मास 10 को 18 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। समझ आ गई बात? ये अब कर लोगे? अब कर लेना। ठीक है, मैं यहीं रुक जाऊँगा। आगे वाला तो वो बाकी सारे 20 सोडियम कार्बोनेट तो पॉइंट है या डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सोडियम कार्बोनेट का ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखो, ये तो इसका वो होता है डिहाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का सिंपल फार्मूला Na2CO3 बस, NH2 वाला नहीं लगे। सोडियम कार्बोनेट का ओरिजिनल फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है हाइड्रेटेड अनहाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड जब बोलोगे ना तब आप ही लिखोगे, अनहाइड्रेटेड बोलोगे तो आप अनहाइड्रेट बोलोगे तो हाइड्रेटेड बोलोगे तो टेन एच टू लिखना लाजमी है, अनहाइड्रेट बोलोगे तो फिर ये बोलोगे आप। अच्छा चलो बताता हूँ, देखो 20 मोल्स ऑफ, अच्छा पहले इसका मैं एक ही बताता हूँ दोबारा ताकि ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं इसको करके बताता हूँ। समझ में आ गया, बस वही प्रॉब्लम थी, बाकी समझ में आ गया। समझ में आ गया। अच्छा तो अब मैं इसका बता रहा हूँ, 30 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में कितना के मास कितना होगा हम ग्राम में निकालने जा रहे हैं। 30 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो पहले ग्लूकोज का 1 मोल का 30 मोल का निकालना है ना मास आपको, 1 मोल का मास निकालना है। 1 मोल का मास कैसे निकालते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। कार्बन 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है 12 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 होता है 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनको फिर सॉल्व करो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो 96 हो गया। इन तीनों का सम का 180 आ गया। ये 180 ग्राम जो निकल कर आया ये ग्लूकोज के 1 मोल का मास है ना, 1 मोल का मास निकलता है ना, 1 मोल का मास 180 ग्राम है, 30 मोल का मास 30 से 180 मल्टीप्लाई करा दो तो 5400 ग्राम निकल कर आ जाएगा 30 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास। ठीक है, अब हम इसका कर रहे हैं 10H2O हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट 10H2O का मास ये कहलाता हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड क्यों लफ्ज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसमें वाटर मौजूद है 10H2। तो पहले तो इसका निकालोगे आप, ठीक है ना, सोडियम का निकालोगे, सोडियम एटॉमिक मास होता है 23 मल्टीप्लाई में नीचे 2 लगा हुआ है 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास निकालोगे 12 मल्टीप्लाई नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे चलो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 मल्टीप्लाई 3 लगा हुआ 3 लगा हुआ, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना है ये, अच्छा ये 10 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास होता है कितना 1 मल्टीप्लाई में नीचे 2 लगा हुआ है 2, प्लस फिर 10 ऑक्सीजन के साथ भी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इन पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व करो जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करा दो तो सोडियम कार्बोनेट का 20 मोल्स का मास निकल करा देगा। समझ आ गया ये? अब इसको इतना लंबा इसको सॉल्व करना तो मुश्किल है, या मुश्किल का मतलब कैलकुलेटर करना पड़ेगा, तो ये तो कर सकते हो ना सिंपल निम्न, इसको इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर लो जो टोटल वैल्यू, मिसाल से मैं सपोज कर, ये तो कर सकते हो ना इतना सिंपल मैथ से, सपोज करो मैं सपोज करता हूँ इन सबको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है 500, सपोज करते हैं सॉरी, तो आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास 500 ग्राम आ गया, 1 मोल का मास 500 ग्राम है तो 20 मोल का मास कितना हुआ, इसको 20 से फिर मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 5 × 10 = 30, ये आ जाएंगे 30, तो 20 मोल का मास इतने ग्राम पर मोल आ जाएगा। समझ आ गया? इधर निकाला तुम्हें वाला भी
हाँ तो मैंने 10:2 का जो निकाला है देखो इसी तरह किया है। आंसर आया 381,600। तो पहले तो सॉल्व नहीं किया ना, इधर कैलकुलेटर दिखाओ, 23 साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि नहीं मुझे इसमें मुझे अलग अलग करना पड़ेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इतना आ गया 286 आ रहा है। ये आ रहा है 286 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ रहा है तुम लोगों का 5720 आंसर आ रहा है। क्या निकाला तुम लोगों क्या किया है, कहाँ से शुरू हो रहा है? सोडियम 23 मतलब 2 प्लस कार्बन 12 मतलब 1 ऑक्सीजन 16 मतलब 3 ये यहाँ पर प्लस ही लगाया पॉइंट था ना। हाँ तो आप तो प्लस तो करोगे ना, इसको तो प्लस करोगे ना तुम, इसको नीचे प्लस किया ना। 10 हाइड्रोजन 2 मतलब 1 प्लस 16 मतलब, तो 10 को 10 जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है, तो मैं 10 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कराया। पहले दोनों का किया है, उसके बाद 10 को जो है टेन दोनों किया, 18 18 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया, 10 को मल्टीप्लाई कराया और फिर इन सब का जो किया उसको 106 आया। नहीं गलत है ना, कुछ और आ रही है है? इसके साथ भी इसके साथ टेन दोनों टेन लगेगा, मल्टीप्लाई करा लिया तुमने, 180 बन गया, 180 का 1 ये 106 कहाँ से आ रहा है? ये इसका इसका NaCO3 का 106 आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुना क्या हाल है? नहीं अभी तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। हाँ क्या कोई ज़रूरी काम था? क्या काम था तुम्हें? कल ले लो ना, कल आ जाओ, कल आ जाओ, ठीक है? ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़, ओके अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाई 246 प्लस 12 प्लस का 48 40 50 100 102 प्लस प्लस होगा ना, ये प्लस तो होगा इधर मल्टीप्लाई है, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। हाँ तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारे मल्टीप्लाई होके ये 180 आ गया, इसमें प्लस होगा ना, ये होगा, ये तो पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट का मतलब ये कंपाउंड आपस में ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कार्बन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनमें क्यों नहीं किया, ये सारे करके ये आ गया, सबको जब आपस में किया तो ये इसके साथ प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, 10 की जो वैल्यू आएगी वो इससे प्लस होगी। हाँ प्लस होगा, तो 160 और 180 प्लस होगा, 160 हाँ तुम निकालो, क्या निकाला तुमने बल्कि 23 मल्टीप्लाई बाय सोडियम एज 2 CO3 सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 2 पर तरीका देख लो, तरीका समझ लो, ठीक है? वैल्यू तुम लोगों ने आपने आगे पीछे किया हुआ है, तो इसी से करना, सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10, अब 10 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन 16, अब इनको करते रहो, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 12 और इनको सब सॉल्व करो, ये आ रहा 286 आ रहा है, ठीक है? समझ आ गया बात, तरीका तरीका समझ आ गया, अब ये सब सॉल्व करना है।